मैं हूँ आलोक मिश्रा और डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा आयोजित कार्यक्रम कवि के साथ कॉफी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सत्या ने एक बहुत ही अच्छा श्रृंखला चलाई हुई है और उस श्रृंखला के अंतर्गत उन्होंने हम सबको बोला हुआ है कि अपने मनपसंद टीवी धारावाहिक या चलचित्र पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही नई पहल है ये, और इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने मनपसंद चलचित्र और धारावाहिक को याद कर सकते हैं। उन उन धारावाहिक और चलचित्रों में हमें क्या अच्छा लगा और उनसे हमने क्या सीखा या सीख सकते हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में आपसे साझा करेंगे अपने विचार। इस विषय में मैंने चुना है एक चलचित्र। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी लगान, लगान नाम की फिल्म आई थी कुछ सालों पहले, और उस फिल्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, और मैं अपने विचार उस फिल्म को लेकर आप सबसे साझा करूंगा आज। जैसा आप जानते हैं कि ये फिल्म एक बेस्ड थी अंग्रेजों के ज़माने में, अंग्रेज जब हमारे यहाँ भारत में रूल करते थे, उस पृष्ठभूमि को लेकर ये फिल्म बनाई गई थी। और इस चलचित्र का मेन जो मुद्दा दिखाया गया है कि एक गांव के किसान लोग हैं जहाँ पे बहुत गरीबी है, और कुछ ऐसा होता है कि अंग्रेजों ने राजा जी को फोर्स किया होता है, उन पर दबाव डाला होता है कि गांव के लोगों पर लगान दो गुना कर दिया जाए, क्योंकि पिछले साल भी लगान आधा कर दिया गया था क्योंकि बारिश नहीं हुई थी और पैदावार नहीं हुई थी खेती की। लेकिन हालात इस साल भी वैसे ही हैं, बारिश इस साल भी नहीं हुई है, इस साल भी खेती पैदावार ना के बराबर है, लेकिन अंग्रेजों ने राजा जी पर दबाव डाला है कि सारे गांव वाले, सारे प्रांत के लोग, हाँ कि एक गांव के बट सारे प्रांत के लोग दुगना लगान देंगे। इस बात पर सारे गांव वाले तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ इक्के दुक्के लोग आवाज उठाते हैं और वो मुखिया जी को बोलते हैं कि आप राजा जी से जाइए, उनके सामने गुहार लगाइए, उनसे बात करिए कि हालत ठीक नहीं है, खेतों में पैदावार बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में हम लगान कहाँ से दे पाएंगे, एक गुना ही लगान देना नहीं हो पाता है तो दो गुना कहाँ से देंगे, तो कृपया लगान माफ की दे दें। और ये सब लोग जब राजा जी से मिलने जाते हैं तो राजा जी कहते हैं कि भाई लगान तो देना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा पहले से ही निर्धारित कर लिया है। तो वहाँ पे अंग्रेज जो वहाँ के शासक होते हैं उस प्रांत के, कैप्टन रसल, वो इस बात को सुनते हैं और वो कहते हैं ठीक है, लगान माफ हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि लगान आप हमारे साथ क्रिकेट खेलिए और हमको क्रिकेट, हमारा जो गेम है क्रिकेट, उसमें हराइए। अगर आपने हरा दिया तो लगान पूरे 3 साल तक के लिए माफ हो जाएगा, और आपके गांव का ही नहीं पूरे प्रांत का लगान माफ हो जाएगा, और अगर आप नहीं हमें हरा पाते हैं तो आपको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ये शर्त सुनकर एक नौजवान युवक भुवन, वो बहुत देर तक सोचता है, फिर उसको लगता है कि ये चैलेंज, ये शर्त स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर जीत गए तो अगले 3 साल का लगान माफ, और अगर नहीं जीते तो 3 गुना लगान भरना पड़ेगा। बहुत ही कठिन समस्या उसके सामने, बहुत बड़ा चैलेंज, और कुछ सोच विचार करने के बाद वो शर्त मंजूर कर लेता है। अब शर्त मंजूर करने के बाद गांव वाले क्या बोलते हैं, गांव लोगों का क्या रिएक्शन होता है, जाहिर सी बात है ये ऐसा खेल है जो गांव वालों ने कभी नहीं खेला है, शायद पहले देखा भी नहीं होता है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भुवन ने ऐसी नादानी कैसे कर दी और कैसे जो है वो इस खेल के लिए मान गया, और कैसे उसने सोच लिया कि जो अंग्रेजों का मन पसंदीदा खेल है जिसे वो कई वर्षों से खेलते आ रहे हैं उसमें हम उन्हें मात दे पाएंगे, हरा पाएंगे।
तो ये कथानक है और ऑफकोर्स कहानी आगे बढ़ती है और इसमें अंत में ऑफकोर्स गांव वालों की जीत होती है। गांव वाले अंग्रेजों को हराने में कामयाब होते हैं, अंग्रेजों को उन्हीं के गेम में हराने में कामयाब होते हैं और फिर जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके सर्व सर्वा हैं वो शर्त के मुताबिक गांव वालों का पूरे प्रांत का अगले 3 साल का लगान माफ कर देते हैं। इस स्टोरी से, इस कहानी से मैंने कुछ बिंदु उठाए हैं जिस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मुझे इस कहानी में क्या चीज सबसे अच्छी लगी। और मैं समझता हूँ ये चलचित्र मनोरंजन तो करती ही है, मनोरंजन करने में पूर्णतया सक्षम है और उसके साथ इसमें हम सबको सीखने के लिए, सबके लिए, छोटे हों, बड़े हों, औरत हों, मर्द हों या बच्चे हों और किसी भी प्रांत के लोग हों, किसी जाति के लोग हों, मैं समझता हूँ गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, खुद का नौकरी, खुद की काम करते हों या कहीं नौकरी करते हों, मैं समझता हूँ हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए है इस चलचित्र में। तो मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगा आपसे। पहली बात तो इसमें है कि मुझे जो लगता है जब राजा जी मिलने जाते हैं कैप्टन रसल से और उनसे गुजारिश करते हैं कि बारिश नहीं हुई है और गांव वाले एक मंदिर है वहां पे जाके प्रार्थना करना चाहते हैं क्योंकि उनका विश्वास है, उनका मत है, प्रगाढ़ आस्था है उस मंदिर के ऊपर कि उस मंदिर में पूजा करने से उनके सारे दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन वो मंदिर एक दूसरे गांव में आता है जिसके मुखिया की इस गांव के मुखिया से या जिस उस प्रांत के राजा से इस प्रांत के राजा की नहीं बनती है। तो ये राजा जो है चंपानेर गांव के जो राजा हैं ये कैप्टन रसल से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप दूसरे प्रांत के राजा को जरा मनाइए और हमें वहाँ आके उस मंदिर में आके प्रार्थना करने का अवसर दें। सो कैप्टन रसल जिद करने लगते हैं कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा लेकिन शर्त है कि आप मांस खाएं, क्योंकि जब उनको खाना ऑफर होता है, खाना दिया जाता है राजा जी को, तो राजा जी ये कह के मना कर देते हैं कि ये नॉनवेज है, मांसाहारी खाना है और मैं मांसाहारी नहीं खाता हूँ। तो उसमें कैप्टन रसल उनसे जिद करते हैं कि ठीक है आप ये मांस खा के दिखाइए तो मैं आपकी बात मानूंगा और आपके लिए करूंगा जो आप चाहते हैं। तो राजा साहब मना कर देते हैं मांस खाने से। तो इससे एक चीज तो निर्णय होती है, एक चीज जो मुझे पता चलती है कि आप हमें अपने उसूलों पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे उसूल होते हैं, हम जीते हैं अपने उसूलों के लिए और उसूलों से हमारी पहचान बनती है और उसूलों पे अगर हम अपने कमजोर पड़ गए तो हो सकता है कि फिर हर समय हर जगह पर हमें समझौता करने की आदत हो जाए। तो राजा जी कह देते हैं कि भाई ठीक है आपकी ये शर्त तो हमें मंजूर नहीं है, अब आप हमारी मदद करें चाहे ना करें, कोई और रास्ता निकालेंगे हम, लेकिन आपकी जो शर्त है मांस खाने की वो हमें कतई मंजूर नहीं है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार आपने मुसीबत पे समझौता कर लिया अपने उसूलों पे तो हो सकता है कि लोग आपको जगह जगह पर हर कदम कदम पे दबाएंगे, उस चीज़ का फायदा उठाएंगे और आपने अगर एक बार आप उस रास्ते पे निकल गए तो फिर आपको बाद में भी लगने लगे अरे एक बार कर लिया तो फिर अभी क्या है, चलो ठीक है, क्योंकि फिर आप आसान रास्ता निकालने की फिराक में रहते हैं और आप कठिन निर्णय लेने में घबराने लगते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमें अपने उसूलों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब ऐलान होता है अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही लोग गांव में आके ऐलान करते हैं, इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि अब लगान दुगना हो जाएगा, तो
कई लोग थोड़ा तैश में आते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, ये कैसे राजा है, राजा ने क्यों नहीं अंग्रेजों को बोला कि किसान सब बिल्कुल परेशान हैं, पिछले साल भी लगान नहीं दे पाए थे क्योंकि बारिश नहीं थी और खेतों में पैदावार कम थी, और इस साल भी वही बात है कि पैदावार नहीं हुई है और वो देने में सक्षम नहीं है लगान भरने में, तो कुछ लोग बहुत ही नाराज भी होते हैं और कुछ लोग बोलते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम कि राजा जी हैं, राजा ने हमारा हमेशा से सपोर्ट किया है तो आगे भी सपोर्ट करेंगे, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जैसे भुवन, होता है कि नहीं हम जाएंगे राजा जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो, और अगर राजा जी नहीं हमारी मदद कर सकते तो हम फिर अंग्रेजों के सामने भी जाएंगे और उनसे भी इस बात के लिए दरख्वास्त करेंगे, और मुखिया जी को ये भी बताता है कि उंगली उंगली जुड़कर जो है मुट्ठी बन जाती है, तो अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो हम एक मजबूत ताकत बन सकते हैं और प्रशासन को हमारी बात मानने के लिए झुका सकते हैं। हालांकि मुखिया जी इस बात से सहमत नहीं होते हैं और ये सारे लोग पहुंच जाते हैं राजा जी से बात करने, जहां पे राजा जी क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं, जो सारे अंग्रेज लोग खेल रहे होते हैं, और वहीं पे बातचीत के दौरान फिर ये शर्त कैप्टन रसल रख देते हैं भुवन के सामने, क्योंकि भुवन से उनकी पहले भी कुछ ऐसी मुलाकात होती है जो अच्छी परिस्थिति में नहीं होती है, उससे भी कैप्टन रसल भुवन को पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसी बातें पहले हो चुकी होती हैं। सो तब भुवन शर्त रखता है। तो इस जो दूसरा मुद्दा या दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके ऊपर जुल्म आ रहे हैं तो उसके सामने आप घुटने मत टेकिए, और इसके बजाय जो जुल्म कर रहे हैं लोग या जो आपको सता रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके सामने आप अपनी बात रखें और उनको समझाने की कोशिश करें और उनको ये भी बताने की कोशिश करें कि उनके मनमाना ढंग, मनमानी हरकतें हमें गवारा नहीं है और बर्दाश्त भी नहीं है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हम हर नागवार निर्देश को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इससे एक और बात जो समझ में आती है कि अगर मुसीबत आए हमारे ऊपर तो उसका हम डटकर सामना करें, कि मुसीबत आई दुगना लगान देना है, तो ये नहीं कि चुपचाप बैठ गया और ठीक है भाई अब देना है तो देना है, पर उसका उन लोगों ने सामना किया, जो भी उनको समझ में आया कि भाई चलो राजा साहब के पास चलते हैं या ब्रिटिश हुकूमत से बात करते हैं, तो इसके लिए वो लोग गए बात करने, ठीक है ना। तो ये रहा दूसरा पॉइंट कि जुल्म के आगे घुटने मत टेको और मुसीबत का सामना डट कर करो, डट कर करो। अच्छा, अब इसमें जो है तीसरा बिंदु जो इस कहानी में मुझे जो पसंद आया और जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा वो था कि जब बातचीत हो रही होती है और कैप्टन रसल भुवन के सामने ये शर्त रखते हैं, ठीक है आप लोगों का शर्त मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त है कि आप मुझे क्रिकेट गेम में हराइए, अगर आपने हरा दिया तो पूरे 3 साल का लगान माफ, और अगर आप नहीं हरा पाते हैं तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। अब इसमें हालांकि मैं पूरी तरह इसमें सहमत नहीं हूं भुवन के शर्त मान लेने से, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं, दो रास्ते आते हैं, एक रास्ता ये है कि अगर हमें सफलता मिल गई, हमने शर्त लगाई, शर्त मानी या कोई भी काम किया, उसके दो निर्णय हो सकते हैं, सफलता या असफलता, अगर सफलता मिल जाती है तो हमारी हालात जो है, हमारे हालात हमारी आज की स्थिति से सुधर जाएंगे, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो कम से कम असफलता की हालत में ऐसा तो हो कि हमारी आज की जो स्थिति है उससे और नीचे ना गिरे हम, ये अमूमन हम लोग मान के सारे निर्णय अपने लेते हैं। लेकिन इसमें शर्त ऐसी थी कि अगर आपको सफलता मिल गई, शर्त जीतने में आप कामयाब हो गए, तो आपका लगान 3 साल के लिए माफ,
जो मैं समझता हूँ बहुत 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 बड़ा इंसेंटिव था, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। लेकिन साथ ही इसमें ये शर्त का दूसरा पहलू ये था कि अगर हार गए सर तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। मतलब कि वो जो मिनिमम लगान था वो भी देने में सक्षम नहीं है, दूना लगान जब उनके ऊपर लगा तो इतना तिलमिला गए वो लोग और परेशान हो गए। तो अगर 3 गुना लगान भरना पड़ेगा तो कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? मतलब कि हालात जो है, अगर हार जाने शर्त हार जाने की हालत में, उनके हालात आज की स्थिति से भी बहुत बिगड़ सकते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा जोखिम लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। लेकिन ठीक है, ये चलचित्र की बात हम कर रहे हैं तो उसमें उसमें भुवन ने जो नौजवान लड़का था और उसके सामने ये शर्त रखी गई थी, उसने शायद इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक मौका देखा कि ठीक है अगर हम मेहनत करें, सारे लोग एकजुट हो जाएंगे और अगर कैसे भी करके अगर हम ये शर्त जीत लें तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो उसने जो है सारे गांव वालों की, सारे प्रांत के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए एक बहुत अच्छा मौका इसमें ढूंढा, उसको नजर आया और इसलिए वो शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। तो ये बात भी ठीक है कि हमें मौके आते हैं और मौके के लिए हमें खुली बाहों से मौकों का, अपॉर्चुनिटीज का सम्मान करना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रहे कि अपॉर्चुनिटी आई है उससे क्या मिल सकता है और क्या खो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा खोने की नौबत अगर उसमें आ जाए और उतना खोने के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि उतना खो देने से आपकी जिंदगी पर अगर असर पड़े, आपके परिवार के रोजमर्रा की जरूरतों पर असर पड़े, तो फिर मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत ही संभल कर, बहुत ही सूझबूझ से ऐसे निर्णय लेने चाहिए हम सबको। और चौथा बिंदु जो मैं इस कथानक पर, इस चलचित्र पर आपसे साझा करना चाहूँगा वो है टीम। कोई भी चीज़ हम जब करने जाते हैं तो अकेले किसी भी चीज़ में सक्सेस, सफलता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर एक सक्षम टीम, उपयुक्त टीम, उपयुक्त साथी हमारे साथ हो तो हमारी सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं और सफलता के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो भुवन ने शर्त तो मान ली, पहले तो शर्त मानने में ही उसको बहुत ही रोष का, लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और फिर उसने सोचा कैसे किया जाए, कैसे टीम बनाए, क्योंकि गांव वाले जब तक साथ नहीं आए तब तक तो मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, कैसे खेल खेलूंगा, कैसे जीतूंगा, क्या होगा। तो उसने एक लड़के को मनाया और लड़के को भी अच्छा लगा, चलो नई चीज़ सीखते हैं, गेम, क्रिकेट गेम। और उन लोगों ने लकड़ी से बैट बनाया, कुछ करके बॉल बनाई और खेलना शुरू किया। जैसे जैसे थोड़ा खेलने लगे लोगों को भी लगा, अरे भाई ये मेहनत कर रहा तो चलो हम भी इसका साथ दें, क्योंकि ये जो कुछ कर रहा है ये आखिर में हमारी भलाई के लिए कर रहा है। तो इस तरीके से फिर एक दो लोग थे, फिर तीसरा साथी उनके साथ जुड़ा, चौथा साथी उनके साथ जुड़ा। ऐसे करते 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 लोग उनके साथ जुड़ते गए। शुरू में जो लोग उनके अगेंस्ट में थे, उनकी बात से सहमत नहीं थे, बहुत नाराज हो गए थे वो उनके इस निर्णय से, शर्त को मान लेने के निर्णय से, बाद में वो लोग भी एक एक करके उनके साथ जुड़ने लगे। इसमें एक बात जो बहुत खास है, बहुत आवश्यक है कि भुवन हर समय सारे गांव वालों को उनका लक्ष्य, क्योंकि जो शर्त को जीतने का लक्ष्य है ये खाली भुवन का लक्ष्य नहीं है, इससे सारे गांव वालों को फायदा होने वाला है, इसलिए ये सारे गांव का लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए वो इस लक्ष्य को हर कदम कदम पे, हर बात बात पे याद दिलाते रहता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक, इसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा आपसे। तो टीम बनाना कि तो उसने फिर एक एक करके देखा गांव वालों में किसके पास क्या काबिलियत है, क्या कुशलता है, कैसे उनकी किसी विशेष क्षमता को, विशेष कुशलता को इस खेल के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे एक इसमें किरदार है भूरा, भूरे के पास कुछ मुर्गियां हैं और मुर्गियों को पकड़ना है। जैसे सबको मालूम है मुर्गियां इधर उधर भागती हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ के भूरा मुर्गियों को पकड़ता है। तो उस बात से भुवन को एहसास होता है कि भूरा
कैच लेने में और फील्डिंग करने में, फील्डिंग एंड कैचिंग में भूरा कैन बी गुड सपोर्ट टू द टीम। तो ऐसा सोच के फिर वो भूरा को टीम में लेके आते हैं। और अब चूंकि मालूम हो गया उसे कि भूरा कैचिंग और फील्डिंग में बहुत ही अच्छा है, तो वो भूरा को इस चीज की जिम्मेदारी भी देता है कि भूरा अब तुम बाकी सारे लोगों को कैचिंग और फील्डिंग सिखाओगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज, अच्छा पॉइंट है, अच्छा बिंदु है, हमको इस कथानक से सीखने को मिलता है कि टीम लीडर को चाहिए, अगर टीम का कोई व्यक्ति किसी कार्य विशेष में सक्षम है तो उसको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में टीम लीडर को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे अगर इसको ज़्यादा हमने रोल दे दिया तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। तो टीम बनाते हैं इसी तरीके से। एक और इसमें आता है कि एक किरदार है जिसका नाम है कचरा, और जब वो गलती से बॉल, वो कहीं खड़ा होता है, बॉल उसके पास जाती है, भुवन बोलता है जरा बॉल फेंको। बॉल जब वो फेंकता है तो कुछ ऐसा होता है कि बॉल टप्पा खा के स्पिन होती है, जमीन में गिरने के बाद स्पिन होती है। तो उस बात से भुवन को एहसास हो जाता है अरे ये तो बहुत ही बढ़िया फिरकी गेंदबाज है, इसको हम जो है स्पिन गेंदबाजी के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो फिर उसको भी वो शामिल करता है टीम में। और बहुत, तो ये बात बहुत जरूरी है अब कि अच्छी सी टीम बनाना। अच्छा, और अब आपने एक शर्त ले ली है, कोई काम आपको करना है, हो सकता है वो काम आपने पहले किया हो या नहीं भी किया हो। तो जो पांचवा बिंदु मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि टीम की कुशलता, अपने भी कुशलता को बढ़ाना और टीम की कुशलता को भी बढ़ाना। अक्सर हम अपने कार्य क्षेत्र में भी देखते हैं, सुनते हैं, लोग बोलेंगे आई एम वर्किंग टू द माई बेस्ट पोटेंशियल, मैं अपनी क्षमता बराबर काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या वो आपकी जो क्षमता है वो उचित है, उचित लेवल पे है, उचित पैमाने पे है? तो आज आपकी क्षमता एक लेवल पे हो सकती है, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मेरी यही क्षमता है, तो फिर आपका सीखना, आपका आगे बढ़ना, आपकी प्रोग्रेस वो फिर वहीं पे बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसलिए क्षमता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक लेवल पे आके खत्म हो जाए या रुक जाए। रोज निरंतर प्रयास से, निरंतर अभ्यास से हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें एक और कहानी समझ में आती है, एकलव्य की कहानी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, तो फिर उसने उसकी गुरु की प्रतिमा बना के और उनके सामने बैठ के रोज अभ्यास करता था। और ऐसा करते करते जैसा बताते हैं महाभारत में कि बहुत ही सक्षम, बहुत ही कुशल धनुर्धर हो गया था वो, और शायद अर्जुन के मुकाबले उन्हीं की टक्कर का धनुर्धर हो गया था वो। तो लगातार अभ्यास से, लगातार प्रयास करने से हम अपनी कुशलता को बढ़ा सकते हैं। तो यह भी एक बहुत आवश्यक बात है कि ठीक है आज आप अपनी कुशलता की समकक्ष कोशिश कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि कुशलता बढ़ानी चाहिए और ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके लिए जो भी सीखना है आपको, आप सीखिए, जहां से भी मदद लेनी आपको मदद लीजिए। इस कथानक में भी ऐसा दिखाया गया है कि टीम बन गई है, लेकिन अभी भी उनको गेम क्या है, क्रिकेट उसके नियम क्या है नहीं मालूम है। तो इसके लिए जो कैप्टन रसल हैं, उनकी बहन, उनको इन लोगों पे थोड़ी दया भी आती है और सहानुभूति भी होती है, तो वो सामने से आके अपनी मदद इनको ऑफर करती हैं। और ये भुवन और उनकी जो टीम है, सारे लोग हैं, ये लोग उनकी मदद को स्वीकार करते हैं और अपने गेम के प्रति अपनी क्षमता को, कुशलता को बढ़ाते हैं। तो कुशलता को भी हमें बढ़ाते जाना है, ये भी इस कथानक से हमें पता चलता है। पांच बिंदु हो गए। छठा बिंदु जो मैं साझा करना चाहूंगा कि टीम आपको चाहिए, आपको जिस कार्य के करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष चाहिए, फिर उसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये आदमी कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, या उसमें क्या कमियां हैं, या वो किस
जाति से आता है, किस प्रांत से आता है। और यही हाल इसमें जो किरदार है कचरा, जो शायद शेड्यूल कास्ट से आता है, जो गांव में सफाई का कार्यक्रम करता है, जब भुवन को लगता है कि ये बहुत अच्छा फिरकी गेंदबाज हो सकता है और उसको वो टीम में शामिल करने के लिए आगे आता है, तो गांव के सारे लोग उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये अछूत के साथ हम कैसे खेल खेलेंगे, कितना भी हमें नुकसान हो जाए, शर्त हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। भुवन फिर उन्हें याद दिलाता है जो इस पूरे शर्त का जो लक्ष्य है, कि शर्त जीत जाने से हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सारे मन मंत्राव और सारी जो ये दकियानुसी बातें हैं, रूढ़िवादी बातें हैं, इनको हमें दरकिनार करना होगा, इन्हें किनारे रखना होगा। और वो कुछ ऐसे वाक्यात भी उनके सामने रखता है, अनुभव भी उनके सामने रखता है, उनको बताता है, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको मनाने के लिए भी, कि देखिए रामचंद्र जी भी जब वनवास गए थे तो उन्होंने भी शबरी के जूठे बेर खाए थे, तो उनको कोई ऐतराज नहीं था कि शबरी ने जूठे किए, वो इस बात से प्रसन्न थे कि शबरी ने जो है कितने सारे खट्टे बेर खा लिए, इसलिए सिर्फ इसलिए कि जिससे कि श्री राम को सब मीठे बेर दे वो। और इसी तरह उसमें एक और किरदार है ईश्वर चाचा, ईश्वर चाचा वैद्य हैं, तो उनको भी याद दिलाता है भुवन कि क्या अगर कोई ऐसा छुआछूत के चलते क्या आप इन लोगों का इलाज नहीं करोगे, जब आप इनकी हाथ पकड़ के नाड़ी देखने से पहले आप क्या ये सोचोगे कि ये किस जाति का है, आपका तो धर्म है सभी का इलाज करना, किसी भी जात का हो, किसी भी इंसान इंसान और मानवता का कर्तव्य यही है कि आपको इलाज करना है, आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ईश्वर को ये बात समझ में आती है कि यस, बहुत बड़ी भूल कर रहे थे वो कचरा को टीम में शामिल करने का विरोध करने से, तो वो भुवन से कहते हैं यस बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, उचित है, मेरी आंखें खुल गई हैं। तो जब वो ईश्वर चाचा गांव के बुजुर्ग में से एक हैं, जब वो ऐसी बात कहते हैं तो बाकी अन्य लोग भी एक एक करके और फिर मुखिया जी भी मान जाते हैं कि ठीक है, हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कचरा का टीम में शामिल करना अगर आवश्यक है तो जरूर करो। तो ये रहा हमारा सातवां पॉइंट कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी उचित उचित व्यक्ति विशेष की आवश्यकता हो तो उसे हमें शामिल करना टीम में, उसमें फिर उसकी कमियां नहीं देखनी है कि ये किस जाति का है, किस प्रांत से आता है, कैसी बोली बोलता है, किस तरह से खाना पीना उसका क्या है। तो ये रहा सातवां पॉइंट। और बाकी मैं आपसे बता ही चुका हूँ कि अगर आपकी टीम में ऐसा कोई है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं और आपको लगता है कि यस, ये आदमी बजाय इसके कि जैसे कि भूरा को वो लेते हैं और फिर भुवन बोलते हैं भूरा तुम सबको फील्डिंग और कैचिंग सिखाओ, तो उसमें उनको भुवन एज ए टीम लीडर, उनको कोई डर नहीं है इस बात से कि इसमें जो है मेरी महत्ता कम हो जाएगी एज ए टीम लीडर, क्योंकि भूरा सिखा रहा, सब लोग भूरा को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। उसको सिर्फ एक चीज याद है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य प्राप्ति है, गेम को अच्छे से सीखना है और कैप्टन रसल और उनकी टीम को इस गेम में हराना है, और ऐसा करने से उनके 3 साल के लगान माफ हो जाएंगे। उसका ये लक्ष्य उसके सामने बिल्कुल साफ है, क्लियर है, और हर समय वो अपने इस लक्ष्य को याद करता है और सारे गांव वालों को भी ये लक्ष्य याद दिलाता रहता है कि जिससे गांव वाले भी डक से मग ना हो और क्रिकेट के प्रति, क्रिकेट गेम सीखने के प्रति उनका ध्यान बना रहे। और आठवीं बात जो इसमें कहना चाहूंगा, ये बातें सिलसिला कुछ इसका जो क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे को समझ आया मैं अपने क्रम के मुताबिक से आपसे साझा कर रहा हूं कि टीम लीडर, अभी टीम लीडर कौन है, तो टीम लीडर जो निर्णय लेने से ना झिझके, जैसे भुवन ने निर्णय ले लिया, सोच विचार करके उसने सोच लिया कि भाई ठीक है, ये जो शर्त रखी गई इसको मैं मान्य करता हूँ। अच्छा, फिर अब गांव वाले सब विरोध हो गए, उसके उसके अगेंस्ट हो गए,
फिर भी वो उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने एक लड़के को लिया, उसके साथ गेम्स खेलना शुरू किया। तो मतलब ये डू इट योर सेल्फ फर्स्ट, डू इट एंड देन शो लीड बाय एग्जाम्पल्स। तो भुवन भी यहाँ पे जो है ना, ही लीड्स द टीम बाय एग्जाम्पल। और जब लोगों को उसकी निष्ठा समझ में आती है कि यस, इसने जो शर्त जीतने का निर्णय लिया है और ये आखिर हमारे लिए कर रहा है, इसको इसमें खाली इसका फायदा नहीं है, ये जो भी कर रहा है ये हम सब के लिए कर रहा है, तो लोगों को ये उसका उसकी सोच की ईमानदारी समझ में आती है, तो एक एक करके लोग उसके साथ जुड़ते हैं और पूरी एक बढ़िया टीम बन जाती है। और ऐसा भी एक इसमें वाक्य आता है जहाँ पे टीम का एक कोई अंग होता है, सदस्य होता है, वो थोड़ा धोखेधड़ी करता है, शायद वो सोचता है कि इधर की बात उधर करके ब्रिटिशर्स को इनकी तैयारी की बात बता के, क्योंकि कैप्टन रसल की बहन इनको मदद कर रही होती है, तो ये बात जाके उधर वो बता देता है कैप्टन रसल को। वो सोचता है कि इससे रसल उसको कुछ इनाम देंगे, कुछ धन धन लाभ हो जाएगा, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है अपने लोगों के साथ ही गद्दारी करके, क्योंकि उसका एक अकेले के फायदे के लिए बाकी सब लोग को बहुत बहुत नुकसान होगा। तो ये बात उसको समझ में आती है, भुवन उसको इस बात को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो टीम की तरफ से खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। इससे एक और जो आठवां जैसे पॉइंट या नौवां पॉइंट मैं बोलूं कि एकजुट काम, मिलकर काम करने से काम में सफलता मिलने के चांसेस या अवसर बढ़ जाते हैं। अगर वो भुवन अकेले खेलने की कोशिश करता तो इम्पॉसिबल था, और जैसे जैसे सारे लोग, गांव के लोग उसको सहारा देने के लिए आ गए, और इनफैक्ट जो अगल बगल के गांव के लोग थे भुवन के निर्णय से वो भी बहुत नाराज हो गए थे और वो लड़ने भी आए थे, और उन्होंने भुवन को बोला भी था कि भाई जाके माफ़ी मांगो, ये तुमने जो है ना हमारे सर पे बहुत बड़ा एक बोझ रख दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत तुमने मोल ले ली है। तो लेकिन फिर जो पहले मुखिया जी अगेंस्ट थे भुवन के, वो भी धीमे धीमे करके भुवन के साथ हो जाते हैं, और फिर ऐसा वाकयात होते हैं कि सारे गांव के लोग समझ जाते हैं कि यस, इस शर्त को मान लेने में और शर्त को जीतने में ही सबकी भलाई है। तो अब अलग 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 थलग रहने से अच्छा है कि हम सारे लोग एक साथ मिलजुल के काम करें और जिससे जो मदद बन सकती है मदद करें, जिससे कि ये जो टीम बनी है ये शर्त को जीतने में सक्षम हो और सफल हो और कामयाब। तो एकजुट होकर रहना, वर्क एज ए टीम, टीम के सारे लोग अपना अपना निर्धारित या निर्धारित जितना है, जितना कर सकते उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग दें, तो टीम की सफलता सफल होने के चांसेस निश्चय ही बढ़ जाते हैं। ये भी इस कथानक का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और एक चीज़, हम हिंदुस्तानी हैं, भगवान ईश्वर पे तो विश्वास करते ही करते हैं, और ये बात इसमें भी, जैसे कि शुरू में होता है कि बादल आते हैं, ये लोग खुश होते हैं कि चलो बारिश होगी, लेकिन फिर बादल चले जाते हैं बिना बरसे हुए, सब लोग बड़े मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और चलचित्र के अंत की तरफ दिखाया गया है कि जैसे ये लोग मैच जीतते हैं, सारे गांव वालों में, प्रांत में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और बस उसके थोड़ी देर बाद ही दिखाया गया है कि इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं और बारिश, जबकि बारिश होती है। तो जैसे कि एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो शायद भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारा इम्तहान लेते हैं, कुछ देने से पहले भगवान भी जानना चाहते हैं कि हम उस चीज़ को प्राप्त करने में, उस चीज़ की चाहत के लिए कितने लालायित हैं और क्या करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। खाली हमारे मन में एक सोच है, इच्छा है, या उसमें उसके प्रति हमारे अगाध प्रेम भी है उस चीज़ को पाने के लिए। तो इसीलिए शायद उन्होंने ऐसे करके स्थितियां उत्पन्न करी जिसमें कैप्टन रसल को ने शर्त रखी और भुवन ने उस शर्त को मान भी लिया, और फिर जब ये लोग कोशिश कर रहे होते हैं तो जैसा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हैव डन सेल्फ, इसको अगर माने तो फिर कैप्टन रसल की सिस्टर
इन लोग को मदद करने भी आ जाती हैं। मतलब ये कि देखिए, ईश्वर आपकी मदद करने के भी रास्ते खोलते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए मदद के अवसर भी जुटाते हैं। करेक्ट। तो ये भी है, दैट मीन्स कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जोर शोर से मेहनत भी करनी चाहिए, तभी हम भगवान के सामने कुछ मांग सकते हैं या भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको आप हिम्मत दो। और आई थिंक यस, भगवान से हमको यही मांगना होता है कि भगवान हमें आप हिम्मत दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, और जिससे कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकूं, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो कुछ हमसे बन पड़े वो मैं कर सकूं। तो ये फिल्म मैंने, ये चलचित्र मैंने कई बार देखा है, और हर बार जितनी बार देखता हूँ उसके एक नए मायने हमको मुझे नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ ये एक हिंदी सिनेमा जगत में सर्वश्रेष्ठ चलचित्रों में एक बेहतरीन चलचित्र है। हर उम्र के लिए, हर तबके के लिए, गांव या शहर, कहीं भी कोई भी रहता हो, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। तो आपने देखी जरूर होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें इसको, या इस फिल्म को आप जरूर देखें, और अपनी राय, अपने विचार इस वीडियो में जरूर साझा करें। आशा है कि हमारे विचार, मैंने जो विचार आपसे साझा किए हैं, आपको पसंद आएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।